नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। नेटौर भाजपा विधायक ओम कुमार ने कांवरतियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मनसानुरूप मैं तन मन धन से कांवरतियों की सेवा करूंगा। भाजपा विधायक ओम कुमार ने कहा कि रोड पर जितने भी होटल और ढाबे और दुकानें हैं, सभी अपने अपने स्थान पर पोस्टर बैनर लगाएं और अपने नाम ना छुपाएं और काम को भी ना छुपाएं। किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंशा के अनुरूप हमारे जो हरिद्वार से कांवड़ लेकर के कांवड़ती आते हैं, उसकी हमने तैयारी की है। और जैसे ही कांवड़ हमारे इस नगीना लोकसभा में प्रवेश करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, सभी कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा करेंगे। जगह जगह पर हमने सभी अधिकारियों से बात करके PWD विभाग से भी, बिजली विभाग से भी और CMO से भी सबसे बात करके पूरी व्यवस्था अच्छे से कराई है और जहाँ कोई कमी भी है उसको भी ठीक करवा रहे हैं। और सभी व्यापारियों से हमने ये कहा है कि कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है और पवित्र यात्रा होने के कारण सभी से हमने ये निवेदन किया है कि जो भी कांवड़ यात्रा के रोड पे जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरेगी निकलेगी, तो वहाँ पर जो भी ढाबे या जो दुकानें हैं वो अपनी पहचान छुपाएं नहीं, बल्कि अपनी पहचान को लिखें ताकि लोगों को, कांवड़ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। वो जान सकें कि मुझे कहाँ पर भोजन करना है, मुझे कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर रुकना है, तो हम सब के लिए ही अच्छी बात रहेगी। तो मेरा पुलिस प्रशासन से भी बातचीत हुई है और मेरा सभी विभागों से बातचीत हुई है। निश्चित रूप से इस बार भव्य कांवड़ यात्रा निकलेगी और हम सब लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, साफ सफाई की तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा जाएगी वहाँ वहाँ पर हर तरीके की व्यवस्था रहेगी। मैं सभी से सहयोग की अपील करता हूँ कि कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सब लोग अपना सहयोग दें। मेरा इतना ही निवेदन सबसे करना है। मैं स्वयं वहाँ पर रह करके कांवड़ यात्रियों का अभिवादन करूँगा, उनका स्वागत करूँगा और पूरे रास्ते जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा हमारी लोकसभा से गुजरेगी सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए सबका स्वागत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मनसा के अनुरूप काम करूँगा, अपने क्षेत्र के लोगों के कार्य करूँगा। आज हमारे रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी कृष्ण जी का जन्मदिन है, मैं उनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ अपनी नगीना लोकसभा की तरफ से भी। और जो कार्य उन्होंने हमारे जिले बिजनौर के अंदर आज़ादी से जो अब तक नहीं हुए थे, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनवा करके जो हमारे जिले में कार्य किए हैं, मैं उसके लिए भी उनको बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इसी तरह की शक्ति दे, वो देश की, समाज की इस तरह से सेवा करते रहें। मैं उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।